पूरा बताइएगा जरूर मुझे इसको, कौन सा क्या होगा इसमें। एसपी साहब, एक ऑडियो वायरल हुआ है, बताएं कि एक विहिप के नेता ने इंस्पेक्टर को हड़काया, कहा कि तुम गुंडे हो, तुम मुकदमा लिख के जीत भी कर दिया जाएगा, क्या है प्रकरण, किस तरीके से पुलिस देख रही है इस पूरे मामले? ये थाना शीशगढ़ का मामला है जहाँ पे इंस्पेक्टर रकम सिंह हैं पोस्टेड। वहाँ पे तीन चार दिन पहले की बात बता रहे थे जैसे कि वहाँ पे दंगल को रुकवाया गया क्योंकि वहाँ पर मेला कमेटी का विवाद चल रहा है, और ये अभी से नहीं पिछले कुछ सालों का विवाद है जिसमें मेला कमेटी जो पहले SDM के अंडर में थी और अभी भी इसका कोर्ट में विवाद चल रहा है कि मेला कमेटी किसके अंडर में हो। तब तक ये हमारे DM SDM साहब प्रशासन के अंतर्गत में वो मेला कराया जा रहा है और इसी कारण से कई विवाद उसमें उठते हैं, कई तरह के आरोप भी लगते हैं कि वहाँ पर जुआ कराया जा रहा है, वहाँ पर अश्लील डांस हो रहा है। इसकी सबकी हमने जांच करा रहे हैं और अभी तक ऐसे कोई पाया नहीं गया मेला में इस तरह की कोई बात जो आई है। और इसी में तथाकथित एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कि किसी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी द्वारा कुछ कहा जा रहा है हमारे थानाध्यक्ष को, तो इसकी जाँच कराई जा रही है और इसमें जाँच कराने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई हमारे द्वारा होगी वो की जाएगी और उन्होंने जो तथ्य उठाए हैं उस ऑडियो में उन पर कार्रवाई की जा रही है और मेरे द्वारा और CO भेड़ी द्वारा इसमें जाँच की जा रही है और रिपोर्ट आज के दिन ही कप्तान साहब को भेज दी जाएगी। क्या ऑडियो में किस तरीके से कहा गया है, कौन है, क्या नाम बताया गया? हाँ, इसमें ऑडियो में जो वो कह रहे हैं कि मैं विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी हूँ, उपाध्यक्ष जो भी कह रहे हैं वो अपने आप को अपना नाम भी बता रहे हैं और हम इसकी जांच करा रहे हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि ये क्या उनका ऑडियो है, अब अगर जाँच भी की जाएगी और जो तथ्य उन्होंने उठाए हैं थाने के कार्यशैली को लेकर, थानाध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर भी और थाने में जो चल रहा है उसके मामले को लेकर, उस पर भी जांच की जाएगी और जैसा जरूरत होगा उस तरह की कार्रवाई आगे समय आने पर किया जाएगा। अभी तक कार्रवाई ना होने पीछे की क्या वजह, क्योंकि तीन चार दिन भी आगे हो गया है, तो जिस तरीके से एक इंस्पेक्टर को धमकाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है? इसमें जो धमकी वाली बात जो आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात इसमें है नहीं, इसमें उन्होंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया है और ये किसी भी गरिमामय व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इंस्पेक्टर ने ये बात हमें बताई भी नहीं थी क्योंकि इस तरह के कई फ़ोन कई लोग करते रहते हैं और इनको हम लोग तवज्जो नहीं देते, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी कोई ज़्यादा इसमें लगता है तो कार्रवाई की जाएगी और जो उन्होंने तथ्य उठाए हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इस तरह की अभद्रता को हम कभी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते और इसको कभी भी हम सहन नहीं करते और इनका कार्रवाई करके इसमें जवाब दी जाएगा। गिरफ्तारी नहीं, इसमें भी देखते हैं, हम लोग इसमें जांच करा रहे हैं, पूरे मुद्दे की जांच कराने के बाद हम इसमें कार्रवाई करेंगे।